नमस्कार भाइयों बहनों, मेरी माँ दुर्गा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आप पा सकें हमारी हर वीडियो का फ्रेश अपडेट्स। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो एक ऐसा प्रश्न है जो शायद आपके भी दिमाग में कभी ना कभी आता हो, पर आपको शायद ही उसका उत्तर मिल पाता हो। दोस्तों, तांत्रिकों या कुछ अन्य बाबाओं को देखकर शायद आपके भी मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि ये लोग काले कपड़े ही क्यों पहनते हैं। तो आज हम आपके इस प्रश्न का उत्तर लाए हैं ताकि आप भी जान सकें इन काले कपड़ों के पीछे छिपा राज, और जब भी कोई आपसे पूछे ये सवाल तो आप दे सकें उसका तुरंत जवाब। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो तांत्रिकों के काले कपड़े पहनने के पीछे एक बहुत बड़ा महत्व होता है। पहला तो ये कि काला रंग माँ काली और भगवान शिव के रुद्र या औघर रूप को दर्शाता है। काले रंग में नकारात्मक शक्तियों को दूर करने का विशेष प्रभाव होता है। तंत्र साधना में कई तरह की साधनाएं की जाती हैं जिसमें काले रंग का बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसमें मंत्र को जल्दी सिद्ध करने की शक्ति बताई गई है। काले रंग को कभी भी काली शक्तियों से ना जोड़ें। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि काला रंग अशुभ होता है या खराब होता है। हम सब जानते हैं कि काला रंग ही शनि देव के रूप को भी दर्शाता है, और इसीलिए शनिवार को काले रंग के कपड़े पहनने का विशेष महत्व बताया जाता है। दोस्तों, अगर इसका उल्टा कर दें तो जो अन्य साधु संत होते हैं, जो कि शांति साधना के उपासक होते हैं एवं भगवान शिव के भोलेनाथ और माँ काली के दुर्गा रूप के उपासक होते हैं, वो हमेशा नारंगी यानी कि ऑरेंज कपड़े ही पहनते हैं, क्योंकि ये शांति का प्रतीक होता है और धर्म, एकता, प्रेम एवं वैराग्य को दर्शाता है। तो दोस्तों, अब आप तो समझ ही गए होंगे कि क्यों तांत्रिक काले और साधु संत ऑरेंज यानी कि नारंगी कपड़े पहनते हैं। दोस्तों, एक और बात, कभी भी किसी तांत्रिक की बातों में ना आए। वैसे तो आपको करोड़ों तांत्रिक मिल जाएंगे जो आपको बहलाने की कोशिश करेंगे, पर असली तांत्रिक मिलना बड़ा ही दुर्लभ है, क्योंकि वो लोग आम इंसान के सामने आना पसंद नहीं करते और दिव्य रहते हैं, और हमारा देश ऐसे कई रहस्यों से भरा पड़ा है। दोस्तों, एक और बात, कभी भी बिना गुरु के ऐसी साधनाएं करने की कोशिश भी ना करें, वरना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके साथ अन्य वीडियो के साथ फिर लौटूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।